अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है और आई नो बहुत लंबा गैप हो गया। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आप सबको भी जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर 1K सब्सक्राइबर हो गए। एक्चुअली हो तो 4-5 दिन पहले ही हो गए थे, बट किसी रीज़न से मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा आज मैं आप सबके साथ ये खुशी शेयर कर लेती हूँ कि हमारे जो चैनल है, मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं कंप्लीट, और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो थैंक यू सो मच। तो 1K सब्सक्राइबर की खुशी में आज मैं अपने आप को आप लोगों को तो मैं दे नहीं पाऊँगी, तो आज मैं अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दे रही हूँ इस खुशी में। और उस ट्रीट में मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्यों ना चीज़ पास्ता बनाऊँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ पास्ता और आप सबके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जैसा मैं खाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डालना है हमें। तो ये नमक जो है इसमें डाल देते हैं। तो जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ये जो पास्ता सॉस का मसाला ये हो, अगर इसकी जगह आप चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 चम्मच बटर डालें, उसमें 2 चम्मच मैदा डाल के उसको अच्छे से ब्राउन करके उसमें दूध डाल के, और वैसे भी आप कर सकते हैं। बाकी मेरे पास ये भी पड़ा था तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ मैं। और मैंने 3 मिर्ची जो है, मिर्ची अच्छी लगती है तो मिर्ची चॉप की है, और प्याज और थोड़ी सी गार्लिक। तो ये ही सिर्फ यही हमारे इंग्रेडिएंट्स है पास्ता बनाने के लिए। तो हमारे पास्ता तो हो गए हैं बॉईल अच्छे से। चलो इसको फिर अलग निकाल लेते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो फ्राई पैन में सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच ऑयल डाला है इसके अंदर, और इसमें मैंने डाल दी गार्लिक। एक्चुअली मेरे घर में कोई है नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, मम्मी जो है अभी बिजी है, और इसलिए मुझे सारे काम मुझे खुद को करने पड़ेंगे। तो यहाँ बन रही है पास्ता और ये मेरी मम्मा बना रही है आज कढ़ी खाटा। मारवाड़ी में खाटा बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ जोधपुर में और झुंझुनू में इसको क्या बोलते थे, एक मिनट क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा आई याद कर रही हूँ, एक मिनट मैं याद करके बताती हूँ आप लोगों को। इसको है ना, हमारे यहाँ तो खाटा बोलते हैं और कढ़ी भी बोलते हैं इसको, और बट झुंझुनू में इसको कुछ अलग बोलते हैं, वो मैं आपको याद करके बताती हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली मुझे याद आ गया कि इसको क्या कहते हैं इसको, और मैंने किसी से नहीं पूछा है, मुझे अभी याद आया है कि इसको खटाई कहते हैं, खाटा नहीं कहते हैं वहाँ पर, वो लोग सब इसको खटाई कहते हैं। मतलब सब जगह अलग 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 लैंग्वेज होती है सबकी। तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल दी है, अगर आप लोगों को मिर्ची नहीं पसंद, अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सिर्फ प्याज और गार्लिक से भी अच्छा बन जाएगा ये। तो अब इसके अंदर हम जो ये पाउडर है ये डाल देंगे सारा। और इसको हल्का सा सेक लेंगे। 2 कप दूध, 2 कप इसको हम अच्छे से, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। तो
अगर आप लोग पास्ता बनाना चाहते हो और आपके पास ये ना मिले, या फिर आप मार्केट से नहीं मंगवाना चाहते हो, घर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं मैदे से भी इसको बना सकते हैं। लाइक थोड़ा सा बटर डालें 1 चम्मच, और उसमें 2 चम्मच मैदा डाल के उसको हल्का सा ब्राउन करके, और जब वो अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो उसमें 2 कप दूध डाल दें, और आपका भी मसाला इसी तरीके से तैयार हो सकता है। तो कई बार जब मुझे ये नहीं मिलता है और कोई लाने वाला नहीं होता है, घर पे नहीं रहता है, तो मैं उसी से चीज़ पास्ता का जो मसाला होता है, ग्रेवी होती है, क्रीम, वो बना लेती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर और डिटेल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बता दूँगी आपको। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये गाढ़ा हो और इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे। तो हमारी ग्रेवी एकदम तैयार है, अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हमें पास्ता डालना है। तो ये थी छोटी सी ट्रिक और पास्ता की मेरे लिए। पहले मैंने सोचा मैं केक बना लेती हूँ, बट इतना टाइम मिला नहीं, बाद में याद आया, फिर मैंने कहा छोड़ो, छोटी सी छोटा सा जो जल्दी बन सके वो कर लेती हूँ। और तो बस ऐसे ही दुआएं देते रहे, ऐसे ही जो है मेरा चैनल ग्रो करता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 1K करने के लिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों की दुआ से मैं और ज़्यादा तरक्की कर पाऊँ, मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो पाए। और बस बाकी कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, और अपने अपने सजेशन दें कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो मेरा किस चीज़ पे होना चाहिए। और एक और चीज़ शेयर करनी थी कि लास्ट जो वीडियो में है, मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी कि ये जो मैंने दीवार के ऊपर जो ब्लॉग बनाया था मेरे घर के पास में जो है, तो ऑब्वियसली बात है इंसान है, सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलती हुई थी। एक्चुअली मैंने कभी इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में मैं इसकी गई नहीं थी, और तो जनाब जो है कामिल, उन्होंने जो वीडियो देखा, व्लॉग देखा, तो उन्होंने मुझे समझाया। ऐसे मैं उनको ज्ञानी बाबा ही बोलती हूँ, क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है मेरे लिए। अगर वो चाहे हिस्ट्री से हो या पॉलिटिशन से हो या फिर किसी भी तरीके का, मैं उनको ज्ञानी बाबा और गूगल बोलती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कुछ पूछना आता है तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि जोधपुर जो है, एक दीवार है उसके बीच में बसा हुआ था, तो ये दीवार उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, परकोटा बोलते हैं इसको। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी हो गई। और प्लीज़ सजेशन देना मत भूलना मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। और बस ऐसे ही खुश रहे, खुश रह के सबको ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहे। और आजकल दिन जो है बड़े अजीब से हो गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें और सबको खुश रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।